सागर जी ने सारा चीज़ जो है मुझे डिस्कस करा, सब चीज़ बताया क्या रोल है क्या रोल नहीं है। तो मैं फिर वो एग्री हुआ कि मेरी बेटी जो है इस रोल को अच्छे तरीके से निभा सकती। कितने भाग्यशाली समझ दो बेटी संस्कृति को, जो छोटी सी उम्र में आपका नाम अपने परिवार का नाम रोशन कर दी जा रही है, ऊपर से आज दंगल के जो 1000 एपिसोड हुआ है इसमें स्पेशल आप लोगों को बुलाया गया है केक कटिंग में, मन सुंदर में, तो किस तरह की आप देख रहे हैं अपना फ्यूचर बच्ची? फ्यूचर तो अभी छोटी है मेरी बेटी, अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि वो बड़ी होकर के एक्ट्रेस बनेगी क्या बनेगी। हाँ, अभी इस चीज को थोड़ा सा ये एक्टिव थी तो मुझे लगा कि ये एक्टिंग फील्ड में जो है जा सकती है, और अभी जो है मतलब इसी पे ये फोकस अभी कर रही है। इन फ्यूचर अभी क्या होगा नहीं होगा इन फ्यूचर देखा जाएगा, अभी मैं इसको इसके बारे में अभी थोड़ी मतलब ये तो नहीं कर सकता कि आगे जा करके क्या बनेगी नहीं। इनका थोड़ा एम भी था इस लाइन में आने का, तो वो हमने इसका सपोर्ट किया। देख रहे आपको सपना मतलब उसमें दिख रहा है, हाँ, आपको जो सपना था आपको बेटी में सपना दिख रहा है, तो आप कितना एक्साइटमेंट हो जो आपने कर पाया वो बेटी कर रही है। इनके डैडी का ड्रीम था इस प्लेटफॉर्म पे आने का, बट उन्होंने अपनी डॉटर में देखा इसलिए डॉटर को आगे रखा। क्या बात सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सागर मूवी प्रोडक्शन हाउस आपकी है और आपने क्या क्या किया अपने मूवी प्रोडक्शन हाउस और कैसे जुड़े हुए लोग बताए? देखिये बात फिल्म की है तो मैं यही कहूँगा कि अपने प्रोडक्शन हाउस से बड़ी फिल्म ये आ रही है और एक अच्छी फिल्म है। मैंने पीछे क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं मैं हर चीज़ आपको बता सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं होता है तो शॉर्ट में बताऊँगा। हमारी कई शॉर्ट फिल्में हैं, कई म्यूजिक वीडियोज़ हैं और बड़े अच्छे मतलब स्केल पर हम काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब इस फिल्म के लिए हमने एक मतलब काफ़ी टाइम से एक प्रयास चल रहा था कि कब एक अच्छा मौका आएगा, अच्छा इंसिडेंस हो और हम इसकी शुरुआत करें। तो ये एक मौका आया, लोग जुड़ते गए और आज हम प्लान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको फ्लोर पे लेके जाएं। तो इसी बीच हमारी मुलाकात सूर्यकांत जी से हुई और सच बात बताऊँ तो सूर्यकांत जी से मिलने का बहाना मुझे एक संस्कृति की वजह से मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद संस्कृति जो है मेरे एक फिल्म में कैरेक्टर है बच्चे का, जो पूरे फिल्म का जो एक कहानी का जो एक फ्लो होता है ना, उस फ्लो को टर्न करने में बहुत बड़ा हाथ है उस बच्ची का। तो बहुत मज़ेदार क्लाइमेक्स चेंज होने के बाद दिखेगा कि बच्ची ने क्या जादू किया उस फिल्म में। तो यही मुझे लगा कि आई थिंक सो कि बच्ची बहुत अच्छा कर सकती है संस्कृति। तो संस्कृति को लोगों ने पूछा कि सर आप एक बार देख लो ऑडिशन टाइप, आप कुछ प्लान करो, इसको मिलो, आपको कैसा लगता है कर सकती है नहीं कर सकती। तो ठीक है देखते हैं। ऑडिशन की जरूरत नहीं है संस्कृति को, आई थिंक सो एक्टिव और एक टेक में उसने जो बोला मतलब अननेचुरली हमको लगा कि जो नेचुरल नहीं हो सकता था वैसा उसने बोला। आपने भी पेपर रखा है क्या, वो भी इसके ऑडिशन के लिए है क्या, कुछ डायलॉग में? संस्कृति को हमने एक ही बार में बोल दिया है कि संस्कृति अपनी फिल्म में काम कर रही है और हम इसको सिर्फ वर्बली नहीं बोल करके नहीं है बजाते विद कन्फर्मेशन लेटर के साथ हम फाइनल कर रहे हैं। तो हम आपको चाहते हैं कि आप देखें संस्कृति कैसे कन्फर्मेशन लेटर के साथ हमारे साथ जुड़ती है और संस्कृति साइन कर दिया है। आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सागर प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है देसी लव में संस्कृति काम कर रही है। अच्छा मैं जानना था सर आज के दौर में कई तीन तीन फिल्में साइन करवाते, तीन फिल्में चार फिल्में। जी 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 जी। अभी आपने एक फिल्म के लिया कि आगे फ्यूचर में फिर फ्यूचर में साथ कंटिन्यू काम कर रही है और आगे इससे भी एक हमारी अच्छी और फिल्म ये, तो मतलब हर एक फिल्म हम अच्छी बोलते जाएंगे आपको लगेगा कि हर एक के बाद ये अच्छी है सभी फिल्में अच्छी है। पर इसके बाद एक हम किड्स के ऊपर फिल्म प्लान कर चुके हैं, किड्स मूवी हमारे 7 years to 14 years की, आई थिंक सो इसके लिए गुड लक होगा वो फिल्म क्योंकि उसमें सिर्फ किड्स है, ओनली किड्स और बहुत अच्छे क्लास की मूवी है वो, बड़े स्केल पे है वो, उससे भी अच्छी कोशिश करेंगे और मेकिंग भी अच्छी होगी उसकी और थोड़ा डांस एंड मार्शल आर्ट भी होगी। क्या बात है क्या बात। तो वो बेहतर है, मैं चाहूंगा कि संस्कृति को मैं आप लोगों के सामने में कन्फर्मेशन लेटर में दे दूं और संस्कृति आप ये आप एक्सेप्ट करो, आप हमारी फिल्म में काम कर रहे हो। क्या बात, तालियां। ये तो मॉम डैड को लेके ये बहुत जल्द हम फ्लोर पे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 2-3 months के अंदर हम फ्लोर पे होंगे, ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे काम हम कर चुके ऑलरेडी। और इसका कैरेक्टर मैं इतना ही बताऊं कि एक चाइल्ड एक्टर का कैरेक्टर है जो कि फिल्म के जो दो लीड हमारे पास है, यानी कि जिसको आप फिल्म का एक रीढ़ की हड्डी समझते हैं, हीरो और हीरोइन, जिसके बिना फिल्म कल्पना नहीं कर सकते, तो उनके बीच का इसका कैरेक्टर है, अब उनको ही टर्न करते हैं। तो रेकी वगैरह वो भी एवरीथिंग इज डन
हर चीज हमारा रेडी है। एक्टर कौन है पता खोल दीजिए, कौन एक्टर है, मतलब नॉन लीड प्लेयर है। ये थोड़ा सा हमने रखा था कि प्राइवेसी का एक्साइटमेंट है जानने के लिए। थोड़ा सा नरेशन आप दे दीजिए, यहां के सब्जेक्ट क्या है। देखिए फिल्म का मैं फाइनली बात बताऊं तो फिल्म का ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा विलेजर्स टाइप का हमारा है और मिडिल क्लास फैमिली का एक कहानी है। और कुछ इस तरह की कहानी, जैसे आप कभी आपने सुना होगा कि बिहार में बेगूसराय एक जगह होता है जहाँ पे एक समय ऐसा था ना जब यूपी बिहार में मतलब नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है कि दहेज एक बहुत बड़ी प्रथा है। तो दहेज प्रथा में क्या होता है, बिना पैसे की शादी होती नहीं है, बिना फर्नीचर, बिना आप बहुत सारा चीज, ज्वेलरीज बहुत सारे होते हैं, यानी कि बोलते हैं कि आप बेटी नहीं दे रहे हो, सब कुछ आपको ही देना है। तो हमने इस फिल्म में एक ऐसा क्लाइमेक्स यहाँ से उठाने की कोशिश की सब्जेक्ट को लेकर के कि दहेज देने की वजह से शादियां नहीं हो पाती हैं। तो बेगूसराय में कल एक लोगों ने एक शुरुआत की, एक उसको कल्पना नहीं कर सकते कि उसको रिवाज भी नहीं बोल सकते, कल्चर भी नहीं बोल सकते, एक कांड ही बोल सकते कि कांड लोगों ने शुरू किया कि भाई जो पसंद है उठा के ले आओ, किडनैप करो, शादी करा दो। तो हमारी फिल्म का ये प्लॉट है छोटा सा ये कि एक ऐसे दूल्हे को उठाया जाता है और उसकी शादी कराई जाती है। आप सोचे कि पकड़वा विवाह जी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ, उसके बाद वो बंदा शादी के बाद इमीडिएटली उसी मंडप से ही वो भाग जाता है। वो पूरी फिल्म में उस दूल्हे को ढूंढने की कहानी है। तो सर ऑल इंडिया में रिलीज होगा, पैन इंडिया रिलीज होने वाली है फिल्म, थिएट्रिकल है फिल्म, आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मिस करें क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है, फुल कॉमेडी विथ एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा है, फुल मेलोडियस है। सर मैं बच्चे के देख रहा हूँ, चेहरा आकर्षण है बहुत, मतलब अट्रैक्शन लुक देख रहे हैं, तो इनका लुक पे कितना खेलना चाहते हैं इसके लुक के लेकर के, चेहरे के लेकर? तो मैंने तो इतना ही एक बड़ी बात आपको बोल दी कि पूरी फिल्म का क्लाइमेक्स टर्न कर देती है, तो मुझे तो इसके साथ काफी कुछ खेलना है। क्या बात सर, मैं आपसे जाना है तो अभी जुड़े हैं इनके साथ काफी दिनों से, क्या आप इसमें रोल अदा कर रहे हैं, क्या अपने बारे में बताइए सर? जी सर, मैं प्रशांत ओतला हूँ, महाराष्ट्र का ही, लेकिन सागर भाई का और मेरा रिलेशन, ये खून का रिश्ता जरूरी नहीं है, भाई से बढ़कर है। चिंतामणि श्री कृष्ण नाम से मेरा बैनर है, अभी तक मेरी 6 फिल्में रिलीज है, लेकिन इसके बाद जो भी काम कर रहे हैं सागर भाई के साथ ही मिलकर काम कर रहा हूँ। और ये देसी लव, इसके ऊपर बहुत दिनों से मेहनत चल रही है हम लोगों की, बहुत बढ़िया फिल्म है और ये फ्लोर पर जाएगी। और उसी बीच संस्कृति की याद आ गई, मुलाकात हो गई, तो उसकी वजह से फिर उनके पापा को कांटेक्ट किया गया, आज ये आपके सामने है, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, अच्छा कैरेक्टर भी निभाएगी। और मैं एक ही कहूँगा, देसी लव। क्या बात है, देसी लव, यानी ये फिल्म हिट होगी और 101% हिट होगी, ये क्योंकि इसके ऊपर मेहनत इतना किया है और इसका बहुत कुछ काम हुआ है, स्टोरी हिट है, हीरो स्टोरी। हम मैम आपसे जानना चाहते हैं बच्ची की संस्कृति, आपको मैं टीवी शो भी मिला है आपको, तो किस तरह का तैयारी कर रहे, मूवी भी कर रहे तैयारी, टीवी शो भी कर रहे, पढ़ाई भी कर रहे, मैनेज किस तरह मम्मी पापा कर रहे आपको? मम्मी पापा मतलब कि पापा मेरे होमवर्क मिलता है तो मेरे पापा बहुत हेल्प करते हैं, और हेल्प सबसे ज्यादा मम्मी भी करती है, और जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मम्मी मेरी हेल्प करती है और बताती है कि ये क्या करना है, यहाँ क्या लाना है, यहाँ क्या करना है। पापा मेरा पढ़ाती है, क्या मम्मी रात में पढ़ाती है। तो ये बता, आप रील भी बनाते हो, मैं सुना हूँ, किस तरह का रील बनाते हो, क्या आपको फ्रेंड्स आपको दिखना चाहते, किस नाम से आप रील चलाती हो? मैं संस्कृति शर्मा डांसिंग कर रही हूँ। क्या बात है, तो आप कुछ गाना भी गाते हो? नहीं, मैं सिर्फ डांस। तो बताओ किस तरह का रील बनाते हो, कुछ गाने गाते हो, गाए हो तो कुछ गा दो, और कुछ क्या आपके पास दिखाना चाहते हो अपना फ्रेंड्स को, दिखा सकते हो? नो नो नो, गाना कोई गाना, पापा के पास एक लाइन गाना सुना, चलो कोई बात नहीं, मम्मी सुनाएगी फिर आज, पापा जी गाते हैं, पापा गाते हैं, पापा सिंगर है। मैं आपके बारे में सुना हूँ कि काफी अच्छा टैलेंट आप में भी, आप भी एक्टिंग करने का जुनून जज्बा है आपके अंदर और सिंगर भी हुआ, तो अपने बारे में बताओ किस तरह के गाना आपके जमाने के आपके फेवरेट कौन से? मेरा तो जो भी था पुराने जमाने के जो गाने थे, रफी साहब के, किशोर कुमार के, उन गानों को जो है सुन सुन कर जो है थोड़ा बहुत जो है सीखा हूँ। स्कूल में भी सिंगिंग का ये था, बट उतना ज्यादा कभी सीरियसनेस में मैंने दिखाया नहीं, बट अभी लगता है कि चलिए मेरे मैंने कुछ नहीं कर पाया तो मेरी बेटी आगे जाके जो भी करेगी, ठीक है, उस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड।
तो हाथ कहने को आशी क्या सिंगर भी आपके पास है, बेटी भी एक्टर है, आप डायरेक्टर भी पीछे बैठे हुए तो मुझे प्लान गा दीजिए। गाना भी पुराना कभी नहीं होता, गाना पुराना होता है। शंकर भाई, शंकर भाई, उनके सर को जवाब दे रहे हैं। आप कुछ गाने से और कुछ छापा कुछ बनाइए। बहुत अच्छी बात आपने, एक्चुअली आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि मैं सिर्फ एक संस्कृति को नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारा टैलेंट है घर में, तो सब मेरे साथ आया और हम अपने फिल्म में सबको यूज करें और वो अपने टैलेंट को दिखाएं। क्या बात है, सिंगर भी है जी जी, अपना डायरेक्टर भी पीछे अच्छे कर सकता है। तो आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, 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 ये भी इस फिल्म में। क्या बात है, आयुष बाबू, मैं सुना हूँ आप भी इस फिल्म में सागर प्रोडक्शन में जुड़े हो, आप तो क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज सागर मूवीज प्रोडक्शन के साथ जुड़कर। अभी पिछले हफ्ते ही सर से मिला था, सर ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया, एक छोटा सा ऑडिशन हुआ मेरा, ऑडिशन सर को अच्छा लगा और सिलेक्ट हुआ, और एक बहुत ही अच्छा किरदार मैं इसमें कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, हमारी मूवी बहुत हिट रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। अपना सागर जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह के आपको मतलब लगा इंसान के काम करने में मजा आएगा या जरूर टाइम लगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, तो मजा आएगा सर के साथ काम करके। नहीं खरूस टाइप में लगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा बहुत सारे डायरेक्टर खरूस होते हैं, इसलिए नहीं सर ऐसे नहीं है। तो आखिर में सागर जी को मैसेज देना चाहते हैं अपने फैंस के लिए? सर इसमें और दो किरदार भी यहाँ पे एक्टर्स आए हुए हैं जो अनुपेक है और राजेश, ऐसे करते हैं ना तो हम उनको ना थोड़ा सा आप स्पेस दे, जो भी आप आपका हो गया मेरे ख्याल से तो हम बता रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी इस फिल्म में और भी कई अच्छे किरदार करने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस से समाचार जुड़े हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल से भी हैं और हम डायरेक्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी लोगों को बुला रहे हैं, तो जो अभी हमारे साथ अवेलेबल हैं हम उनसे आपको एक बार जरूर मिलवाते हैं। एक मिस्टर अनूप है हमारे साथ जो एक अच्छा कैरेक्टर में है, अपने फिल्म का एक अच्छा पार्ट में है, और एक राजेश्वरी जी हैं तो ये भी हमारे फिल्म से जुड़े हुए हैं और ये भी हमारे फिल्म में एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। आयुष जी से आप मिल चुके, बात कर चुके, और हम तो चाहेंगे कि शर्मा जी भी हमारे फिल्म में एक अच्छा काम करें, सिर्फ ऐसे ही नहीं मिले। और प्रशांत जी से तो आप मिल चुके हैं, हिमाचल के बहुत अच्छे मतलब जिम्मेदार व्यक्ति, मैं आपको बताऊंगा, आप समझ लीजिए कि एज ए प्रोड्यूसर के तौर पे हो सकता है फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये कंटिन्यू उसी बेस में काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, आप हमारे फिल्म के बहुत बड़े पार्ट हैं, तो आपके बिना हमारी फिल्म का कोई काम नहीं हो सकता। थैंक यू सर। मैं उनके बारे में बोल रहा था तो आपने याद दिला दिया, चूंकि डबल हो गया वो हमारे लिए। तो जीत भाई एक हमारे डिजिटल मीडिया पार्टनर्स हैं, पेज वन इनका एक अपना कंपनी, अपनी इनकी एजेंसी है, इसके थ्रू ये कई बड़ी फिल्मों का पीआर करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबको एक अपना पहचान दिलाते हैं। तो ये तो कल की और जो अभी कई फिल्में हैं, मैं बहुत ज़्यादा फिल्मों का नाम नहीं लूँगा, बट हमारी फिल्म के लिए आया और हमारी फिल्म के लिए इतना बड़ा सहयोग कर रहे थे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। कि हम लोगों तक पहुँचाएं, आप तक पहुँचाएं, तो ये हमारे लिए माध्यम है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप सागर फिल्म से आप गाने उन्हें कुछ है क्या पिक्चर में, बताया सागर जी ने? ये सस्पेंस है, सरप्राइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि आइटम सॉन्ग के जमाना है, रील के जमाना है, बिल्कुल आइटम सॉन्ग है हमारे फिल्म में। और हम आपको याद दिलाएंगे कि आपने जब सुपेंद्र जी और सुनिधि चौहान जी के जैसे गाने आपने सुने, बिली जनरल बड़ा सुपर हिट गाना था, कुछ उस तरह का फिल्म हम भी लेके आए। क्या बात है, अच्छा सर आपका कहेंगे, सर आपका क्या किरदार है फिल्म बोलेंगे कुछ? जी सागर मूवी प्रोडक्शन के साथ काफ़ी सारे काम हुआ है और ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो देसी लव है, उसमें कई सारे किरदार हैं, हमारे भी किरदार हैं, और जैसे कि आप लोग ने बताया कि गाने के बारे में, तो गाने भी इसमें दमदार हैं, ऐसा नहीं है कि दमदार नहीं है जी। और रही बात किरदार की, तो सब सस्पेंस है, तो जैसे जैसे स्टोरी पड़ेगी तो फिर सब कैरेक्टर भी रिवेल हो जाएगा सर। सर जी नॉन एक्टर भी होंगे इसमें कुछ? नॉन आई थिंक सो कि सभी के सभी 99% नॉन एक्टर्स हैं। क्या बात है, क्या जी, मैं इसलिए नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सस्पेंस तो है ही और हमने उसको छुपा के रखा है, बिकॉज एक क्लाइमेक्स फिल्म में होता नहीं, हमने पूरे फिल्म मेकिंग का भी क्लाइमेक्स बना कर जब खुलेगा तो एक ब्लॉकबस्टर की तरह सामने आना चाहिए। क्या बात है, ये भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है, ये होना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फोटो मान लिया उन्होंने, चाहूंगा
कि संस्कृति जितनी छोटी उतना ही एक बड़ा गुड लक हम उसको करेंगे कि हमारी फिल्म आ रही है तो जिस तरह से वो उसी तरह से अभी समझे कि बहुत सारी चीजें हमने नहीं की है, जस्ट एक कन्फर्मेशन हमने उसको दिया है, तो कन्फर्मेशन के हिसाब से गुड लक बनता है ना, स्वीटनेस तो होना चाहिए, मिठाई तो होना चाहिए, तो मिठाई के लिए हम अभी तो मिठाई लाए नहीं, लेकिन मिठाई के जैसे हम कुछ इनको दे दे रहे हैं ताकि इनका भी एक सिक्योरिटी लगे कि हाँ हम सागर सर के साथ फिल्म में जुड़ गए, हमारे पास हमने जुड़ गए। तो अभी इनको एक छोटा सा शगुन हम भेज रहे हैं जो आपके सामने हम भेज रहे हैं, इनके पास मिले और संस्कृति के पापा बताएं कि नहीं आएगा।